बीजेपी सांसद अनिल बोंडे और शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दिए गए बयान के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया है। इसी श्रृंखला में कांग्रेस की ओर से नागपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस आंदोलन का नेतृत्व विधायक विकास ठाकरे ने किया है। इस मौके पर सीतापट्टी पुलिस स्टेशन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार ऐलान किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि विधायक संजय गायकवाड़ और सांसद अनिल बोंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, साथ ही संजय गायकवाड़ और अनिल बोंडे को 4 दिनों के भीतर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा आंदोलन तेज होगा। ऐसी प्रतिक्रिया विधायक विकास ठाकरे इन्होंने दी है। शिंदे सेनेचे आमदार गायकवाड़ आणि भारतीय जनता पार्टी चे खासदार बोंडे यांचं मानसिक संतुलन बिघडलेलं आहे आणि ज्या पद्धतीचं वक्तव्य यांनी केलं, एकानी म्हटलं की जीभ छाटा आणि एक म्हणतो जिभेला चटके द्यायची, अवघातच नाही आहे की एका सामान्य माणसाची ही जीभ कापायची आणि चटके द्यायची, तर हे राहुलजी बद्दल बोलत आहे। आणि मला वाटते या मागे देशात दंगे भडकवण्याचं राजकारण करण्याचं काम अमित शाह आणि मोदी करत आहेत। जर अमित शाह आणि नरेंद्र मोदींचं यांना पाठिंबा नसेल तर त्यांनी यांना पक्षातून बडतर्फ करावा, यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा आणि आपला असली चेहरा काय आहे तो दाखवा। जर या देशातील जनतेला त्यांनी माफी मागितली नाही किंवा हे वक्तव्य करणाऱ्यांवर कारवाई केली नाही तर ही देशातली जनता नरेंद्र मोदी आणि अमित शहाचा असली चेहरा पाहून झाले की आपल्या आमदार खासदारांच्या माध्यमातून राहुलजींच्या बद्दल जे वक्तव्य करत आहे हे वक्तव्य यांच्या सांगण्यानुसारच करत आहे। आणि जर या 4 दिवसात नरेंद्र मोदी अमित शहा या लोकांनी हे माफी मागितली नाही, यांना पक्षातून काढलं नाही, मला वाटते की हे आंदोलन अजून उग्र करण्याची। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।